फ्रेंड पावर प्लांट डिस्कशन में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चंदन आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बॉयलर फीड पंप पे है। एक्चुअली यह मेरा सीरीज से थोड़ा ये मैं अभी बनाने वाला नहीं था, बट ये कमेंट बेस्ड वीडियो है। एक प्रशांत तोमर जी हैं जिन्होंने हमारे वीडियो पे एक कमेंट किया है कि सर जी आप बीएफपी पे वीडियो बनाइए। तो एक्चुअली मुझे आप लोग के लिए ही काम कर रहा हूँ तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, नहीं तो मैं अभी एफबीसी पे वर्क कर रहा था, इसीलिए मैं उसको छोड़ के सबसे पहले आप लोग के लिए बीएफपी पे मैंने लेक्चर बनाया। तो आज मैं आप लोगों को बीएफपी के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली देखिए मेरा बीएफपी का जो ये वीडियो होगा थोड़ा सा दो पार्ट में बनाऊंगा। एक पार्ट में तो मैं बेसिक और एआरसी के बारे में बताऊंगा कि एआरसी का क्या फंक्शन है एक पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में जो होता है बैलेंसिंग जो कि काफी इंपॉर्टेंट है उसको मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे बहुत अच्छे से बताऊंगा। आप लोग को एकदम कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए मेरा जो वीडियो है थोड़ा सा लेंदी होता है क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कोई भी दो मिनट का क्लिप अप देख के मेरा वीडियो को जज नहीं कर सकते कि मेरा वीडियो क्या है। एक बार पूरा फुल देखिए, मेरा फुल एफर्ट देखिए, मेरा अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप हमको कमेंट कीजिए कि क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, मैं जरूर उस पर इम्प्रूवमेंट करूंगा। मैं आप ही के लिए आया हूँ और आप लोग को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव साइंस आप लोग को प्रोवाइड करवाने के लिए आया हूँ। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और इस बीएफपी के बारे में पूरा मैं अपना फुल एफर्ट से आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग इसका एंजॉय कीजिए। पावर प्लांट डिस्कशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक बीएफपी को स्टार्ट करते हैं। तो बीएफपी क्या बोलते हैं, बीएफपी जो होता है बॉयलर फीड पंप है। यह क्या करता है, बॉयलर को पानी फीड करता है, ठीक है। तो हमको बॉयलर में जो पानी फीड करना पड़ता है एक हाई प्रेशर पे पानी फीड करना पड़ता है क्योंकि वहां पे ड्रम में ज्यादा प्रेशर रहता है। तो हम लोग को जितना ड्रम के अंदर प्रेशर है उससे 20% ज्यादा ही हमको प्रेशर बिल्डअप करना पड़ता है तभी हमारा पानी उसके अंदर जाएगा। और बीएफपी जो है हमने डिजाइन जो किया है वो इसीलिए किया है कि जो हमारा डिस्चार्ज जो करेगा वो 20% मोर वर्क देन वर्किंग प्रेशर। जो हमारा वर्किंग प्रेशर अभी बॉयलर के अंदर चल रहा है उससे 20% ज्यादा पानी डिस्चार्ज करने के लिए हम बनाते हैं या और देखेंगे तो 6% मोर देन सेफ्टी वाल्व जो सेटिंग किया जाता है ना सेफ्टी वाल्व ड्रम में जो सेफ्टी वाल्व उससे 6% ज्यादा रहेगा उसके लिए हमने ये पंप सेट किया गया। तो उसके लिए मैंने हम लोग क्या करते हैं कि एक सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है उसको स्टेज मल्टी स्टेज में बनाते हैं। तो देखिए ये मैंने आउटसाइड दिखाया बीएफपी का और ये इनसाइड दिखाया। तो हमारा क्या है, ये एम्पिलर है, मैंने 1 2 3 4 स्टेज का दिखाया है। तो 4 मैंने एम्पिलर शाफ्ट पे लगा दिया जो कि क्या करेगा स्टेज टू स्टेज प्रेशर कैसे बिल्डअप करेगा मैं इस वीडियो में आगे चल के बताता हूँ। तो इसका एम्पिलर हो गया, यहाँ पे डिफ्यूजर लगे रहते हैं, इनसाइड डिफ्यूजर लगे रहते हैं, एक शाफ्ट हो गया, बियरिंग दोनों तरफ लगा है, मैकेनिकल सीलिंग लगा है, यहाँ पे बैलेंसिंग डिस्क लगा हुआ है, आपका सक्शन पानी बीएफपी के अंदर आने के लिए सक्शन लाइन लगा हुआ है और आउटसाइड जाने के लिए आपका डिस्चार्ज लाइन लगा है। तो हम लोग एक एक करके सभी का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं बेसिक। देखिए पहले मैं सक्शन लाइन का बता दे रहा हूं कि सक्शन लाइन में क्या चीज होता है। सक्शन लाइन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा पानी इसमें सक करेगा। तो पानी सक करने के लिए बीएफपी को सक करने के लिए कुछ एक मिनिमम प्रेशर होना चाहिए कि मान लीजिए 1 kg मिनिमम प्रेशर होना चाहिए क्योंकि एमपीएसएस नेट पॉजिटिव सक्शन हेड को ध्यान में देते हुए हम लोग का एक मिनिमम सक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। और देखिए हमारा जो पानी इसमें आता है वो डिएरेटर से आता है। डिएरेटर क्या होता है, एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जहां पे पानी को स्लाइटली गर्म करके वहां पे ऑक्सीजन क्या क्या रिमूव करते हैं वो चीज नहीं बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एक डिजायर्ड टेम्परेचर कोई रहता है 100 डिग्री 120 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है और यह हमारा आता है सक करता है बीएफपी को और फिर यहां से हम लोग बीएफपी के अंदर स्टेज टू स्टेज में हम लोग प्रेशर को राइज करके हम लोग इकोनोमाइजर या बॉयलर ड्रम को दे देते हैं। तो हमारा जैसे सक हुआ
तो यहाँ पे देखिए हम एक क्या चीज लगाए हैं, स्ट्रेनर सिस्टम लगाए हैं। स्ट्रेनर स्ट्रेनर का काम क्या होता है कि जो पानी है, जो डिरेटर से पानी आ रहा है, उसके अंदर कोई अगर इम्प्योरिटीज हो गया, कोई डस्ट पार्टिकल हो गया, तो उसको हम लोग प्यूरिट कर देते हैं, उसको ट्रैप कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रेनर लगाया है, जो इसमें स्ट्रेनर को प्रोसेस कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे ट्रांसमीटर लगाए हैं, डीपी ट्रांसमीटर उसको बोलते हैं। अगर मान लीजिए उसमें कैसे होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका 2.1 kg प्रेशर है और डिस्चार्ज में आपका 2 kg प्रेशर मिल रहा है, तो बीच में कितना प्रेशर लॉस हुआ, वो हुआ 0.1। तो हमारा ये जो डिफरेंशियल प्रेशर जो दिखा रहा है, इसके बीच में 0.1 दिखा रहा है। तो अगर यह जो है एक वैल्यू ले लेते हैं कि 0.5 0.6 पे जब आएगा, तो हमको इसको क्लीन करना है, यानी हमारा जो गंदगी है इसमें बहुत ज्यादा ट्रैप हो गया है, जमा हो गया है, जो कि हमारा डिस्चार्ज प्रेशर यानी यहाँ पे प्रेशर कम कर देता है। तो हमको बीएफपी का अल्टीमेटली सक्शन पे प्रेशर कम मिलेगा, तो इसका एफिशिएंसी डाउन होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करवाते हैं कि एकदम प्योर वाटर जाएगा, जिससे स्केलिंग वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, और तो फिर जाके हम इसको क्लीन कर देते हैं। हमारा ये सक्शन लाइन का अरेंजमेंट हो गया। वैसे ही मैं आपको दिखा देता हूँ डिस्चार्ज लाइन का अरेंजमेंट। डिस्चार्ज लाइन में क्या होता है कि हमारा स्टेज टू स्टेज क्या हुआ, प्रेशर राइज हो गया, प्रेशर राइज हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 kg लिए, तो यहाँ पे मे बी 100 kg मिले या 90 kg मिले, जितना का भी बॉयलर बीएफपी आपका डिजाइन है, जितना का भी प्रेशर आपको रिक्वायर्ड है, उतना प्रेशर आपको मिलेगा। तो यह क्या किया, हाई प्रेशर हमको मिला तो डिस्चार्ज किया। उसके लिए अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पे एक ये सिस्टम दिया है आइसोलेशन वाल्व, ये आइसोलेशन वाल्व दिया है, ये डिस्चार्ज आइसोलेशन बोलते हैं। उससे पहले हम एक ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वाल्व, इसको एआरसी वाल्व बोलते हैं, इसका बहुत ही बीएफपी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, क्योंकि यह इससे जैसे नाम से ही पता चल रहा है ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन, ये ऑटोमेटिक क्या करता है, रिसर्कुलेट कर देता है। अगर पानी हमको जितना बीएफपी तो डिस्चार्ज कर ही रहा है, तो अगर हमारा इधर मान लीजिए बॉयलर की तरफ पानी का उतना जरूरत नहीं है, जैसे हमारा पानी का कम जरूरत है, तो हमारा क्या करेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट में हमारा बीएफपी से पानी फ्लो होते रहता है, तो हमारा एआरसी के थ्रू डिएरेटर में चला जाएगा। हमारा ये एआरसी क्यों मस्ट है, देखिए यह कोई हमारा लो पंप है नहीं, हाई प्रेशर पंप है, लो प्रेशर पंप नहीं है। तो ये क्या करता है, एक तो ऑलरेडी हम डिएरेटर का गर्म पानी लेते हैं, ठीक, और इसको पर स्टेज में प्रेशराइज करते हैं, ठीक है, और यहां से हम लोग डिस्चार्ज करेंगे। अगर हमको ये डिस्चार्ज नहीं करेंगे, ऑलरेडी गर्म पानी है और ये बहुत हाई, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जब ये टकराएगा वॉल्स में, जो आपका वॉल्स में टकराएगा, तो क्या होगा, ये और हीट अप होगा, तो हीट ड्यू टू फ्रिक्शन ये क्या होगा, वेपर फॉर्म में, बबल फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, जो कि हमारा ये केसिंग का जो है टेम्परेचर बढ़ा देगा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, नॉइज पोल्यूशन, नॉइज इसमें क्रिएट होगा, वाइब्रेशन क्रिएट होगा, इसको स्टारवेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक मिनिमम फ्लो हम लोग बीएफपी का रखते ही हैं, तो वो मिनिमम फ्लो एआरसी के थ्रू चला जाता है, डिएरेटर में रिसर्कुलेट होके चला जाता है। मैं एक आपको डाटा देता हूं कि 210 MW प्लांट का है, जिसमें 430 टन कैपेसिटी का बीएफपी है, जो एआरसी पूरा फुल ओपन हो जाता है वो 100 टन पे पूरा ओपन हो जाता है, और जो क्लोज होता है वो 220 टन पे क्लोज होता है, और इसका जो मैक्सिमम जो फ्लो दिया है वो दिया है 125 टन पर आवर। मैंने ये डाटा इसलिए दे दिया कि आप बहुत सारे लोगों को एआरसी के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का रहता है कि कब ओपन होता है कब क्लोज होता है। तो देखिए मैंने 430 टन का बीएफपी का डिटेल दिया, वैसे ही आप छोटे भी बीएफपी का कुछ ना कुछ डिटेल आप लोगों को फाइंड आउट हो जाएगा, तो मैंने एक बीएफपी का आप लोगों को डिटेल दे दिया कि यह बीएफपी जो है 430 टन का बीएफपी है, जो कि 210 MW में यूज किया जाता है। तो उसका 100 टन जैसे ही हमारा बॉयलर को डिमांड नहीं है, जैसे मान लीजिए हमारा बॉयलर 100 टन से कम हम लोग को पानी की जरूरत पड़ा,
तो हमारा क्या होगा, ये पूरा फुल ओपन हो जाएगा और जितना मतलब इसका कैपेसिटी कितना है, 125 टन देगा। तो 125 टन हमारा किसको देने लगेगा, आपका डिएरेटर में रिसर्कुलेट कर देगा। अगर ये 220 टन आ जाएगा इसका बीएफपी, ये हमारा बॉयलर में 220 टन का कैपेसिटी का जाने लगेगा, तो हमारा ये पूरा फुली एआरसी बंद हो जाएगा, यानी ये फ्लो जाना बंद हो जाएगा और बीच में रहेगा तो थोड़ा थोड़ा फ्लो जाते रहेगा। मतलब आपको इतना मेंटेन करना ही है, बीएफपी से कुछ ना कुछ मिनिमम फ्लो मेंटेन करना ही है। तो अब देखिए हम ये बताते हैं कि हमारा बीएफपी के अंदर प्रेशर राइज कैसे होता है, आइए देखते हैं। सक्शन डिएरेटर से हमारा पानी कहाँ है, मान लीजिए यहाँ पे आया, यहाँ पे एम्पिलर लगा हुआ है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जितना का भी स्टेज हो, यहाँ पे देखिए एम्पिलर है। तो एम्पिलर क्या किया, जब यहाँ पे इसके एक्सिस के अलोंग, सेंट्रिफ्यूगल पंप में क्या होता है कि एक्सिस के अलोंग जो शाफ्ट का एक्सिस है उसके अलोंग सक्शन होता है और डिस्चार्ज जो होगा उसके परपेंडिकुलर, उसका पेरिफेरल यानी परपेंडिकुलर सेंट्रीफ्यूगली फोर्स आउटवर्ड मारेगा। जैसे अभी कोई गूगल, ये चीज क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है तो ये क्या करेगा, सक करके आउटसाइड में, सेंट्रीफ्यूगल क्या करता है आउटसाइड फोर्स में, आउटसाइड फोर्स करता है। तो देखिए यहां से पानी सक किया तो ये पानी किधर फेंकेगा, इधर फेंकेगा, इधर फेंकेगा, ठीक है। तो ये क्या किया, एक लो वेलोसिटी का पानी को हाई वेलोसिटी में कन्वर्ट कर दिया एम्पिलर। अब यहाँ पे हाई वेलोसिटी का पानी मिल गया, यहाँ पे हम लोग एक अरेंजमेंट लगाते हैं जिसको डिफ्यूजर बोलते हैं, इसके इनसाइड किसी के अंदर है ऑलरेडी, तो मैं बाहर दिखा रहा हूं आप लोग को। तो यह जो है हमारा डिफ्यूजर का काम क्या होता है कि जो हमारा डिफ्यूजर क्या करता है, वेलोसिटी को डाउन करता है और प्रेशर को बढ़ाता है। ये जस्ट नोजल का पॉजिटिव, नोजल क्या करता था, प्रेशर को डाउन करता था, वेलोसिटी बढ़ाता था, लेकिन यह क्या करता है, वेलोसिटी को डाउन करेगा और प्रेशर बढ़ाएगा। हमको अल्टीमेटली प्रेशर चाहिए ना, हाई प्रेशर चाहिए। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में हमारा प्रेशर मिल गया, तब ये प्रेशर क्या, और दूसरा काम क्या है डिफ्यूजर को, जब प्रेशर राइज करेगा उसके बाद ये जो सेकेंड इम्पिलर है उसके वेंस को डायरेक्ट कर देगा, वाटर को उधर फ्लो करवा देगा कि वहां पे चला जाए। तो देखिए यहां से हमारा इम्पिलर से पानी मिला फर्स्ट स्टेज में और यहाँ पे डायरेक्ट गया हमारा डिफ्यूजर में। डिफ्यूजर क्या किया, इसका प्रेशर को राइज किया, वेलोसिटी को डाउन किया और प्रेशर राइज करने के बाद हमारा सेकेंड इम्पेलर को रास्ता दिखा दिया कि भैया तुम अब यहाँ चले जाओ। अब जब यहां से गया तो फिर ये वही प्रोसेस करेगा, फिर ये आउटवर्ड प्रेशर मारेगा, तो फिर यह क्या करेगा, यहाँ डिफ्यूजर सिस्टम लगा हुआ है, ये फिर से क्या करेगा और प्रेशर बढ़ाएगा, बोलेगा भैया तुम नेक्स्ट स्टेज में जाओ, ठीक है। फिर ऐसे ही तीसरा भी ऐसे ही डायरेक्ट करेगा, बोलेगा कि ठीक है भैया अब तुम नेक्स्ट स्टेज में जाओ। तो ऐसे ऐसे कर करके हमारा क्या हुआ, अल्टीमेटली फिर यहां से ऐसे करके हमारा एक प्रेशर बिल्डअप हो गया। मतलब ये जो हमारा रिक्वायर्ड प्रेशर जो मैं लिखा 20% मोर देन वर्किंग प्रेशर, वो हमारा यहाँ पे मिल गया। तो हमारा बीएफपी का, अब देखिए ये सक्शन में भी इतना प्रेशर पानी है और डिस्चार्ज भी इतना पानी है, तो हमारा पानी हो सकता है इधर उधर फेंक दे, तो उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे मैकेनिकल सीलिंग अरेंजमेंट लगाए हैं दोनों साइड। तो मैकेनिकल सील क्या करता है, पानी को शाफ्ट से इधर बाहर नहीं आने देता है, तो हमारा सीलिंग प्रोवाइड कर देता है कि शाफ्ट से पानी इधर उधर ना जाए, उसको वहीं पे रख दे, जिससे लॉस नहीं होगा और इसका पंप का एफिशिएंसी बढ़ेगा और पंप का रोटर को स्मूथ ऑपरेशन के लिए बियरिंग लगाते हैं। यहाँ पे दो गो बियरिंग लगा हुआ है जो कि स्मूथ ऑपरेशन देता है। अब ये जो है इसके अंदर रोटर है और रोटर शाफ्ट के ऊपर क्या है, हमारा ये सब एम्पिलर लगा हुआ है और डिफ्यूजर ये आपका केसिंग से अटैच रहता है। तो हमारा यहाँ पे देखिए प्रेशर मिल गया, बियरिंग लगा दिए, मैकेनिकल सील लगा दिए और एक सिस्टम है आपका बैलेंसिंग लाइन। बैलेंसिंग लाइन का क्या काम है, जब देखिए यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो जब हाई प्रेशर से इधर निकलेगा, जब इधर से निकलेगा तो हमारा एक इसका एक रिएक्टिव फोर्स भी होगा। तो ये क्या करेगा, हमारा जैसे इधर प्रेशर, हाई प्रेशर निकाल रहे हैं तो हमारा इसके अपोजिट में एक रिएक्टिव फोर्स आएगा, तो ये क्या करेगा, शाफ्ट को इधर की तरफ आने के लिए कोशिश करेगा। तो इस चीज को
प्रिवेंट करने के लिए, इधर आने के प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे एक बैलेंसिंग अरेंजमेंट लगाते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग अरेंजमेंट में क्या करते हैं कि इसके डिस्चार्ज से कुछ परसेंट यानी 10% लगभग वाटर को इधर डायरेक्ट कर देते हैं। मैं इसके बैलेंसिंग के बारे में मैं बताया था कि सेकंड वीडियो भाग में बनाऊंगा, तो बीएफपी का जो मेरा सेकंड वीडियो होगा उसमें बैलेंसिंग के बारे में पूरा डिटेल बात करूंगा, इसीलिए मैं इसमें ज्यादा नहीं बता रहा हूं। तो ये क्या करता है, कुछ पानी लेके यहाँ पे ऐसे इसका ये जो फोर्स है ना उसको ब्रेक कर देता है। वो कैसे ब्रेक करेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तो यहां से बैलेंसिंग का भी जो लीक ऑफ लाइन होता है उसको हम लोग डिएरेटर में प्रोवाइड कर देते, सेंड कर देते हैं। अब देखिए हमको ये हमारा बीएफपी का ऑपरेशन हो गया। अब हमारा क्या है, बीएफपी चलेगा कैसे? तो बीएफपी चलाने के लिए हमको कोई मोटर सिस्टम होना चाहिए। दो टाइप का होता है ड्राइवन, एक तो मोटर ड्रिवन होता है और एक टर्बो ड्रिवन होता है, टर्बो बीएफपी जिसको बोलते हैं। मोटर से आप नॉर्मली यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर देंगे, मोटर चलेगा और ये आपका शाफ्ट को कपल कर देंगे यहाँ पे मोटर के शाफ्ट से और पंप के शाफ्ट से, तो ये दोनों मूव करेगा और सक करेगा और डिस्चार्ज करेगा, ठीक है नॉर्मल। अगर हमको एक और होता है जैसे हाई प्रेशर, ये हाई कैपेसिटी का बीएफपी है, तो उसको चलाने के लिए बहुत ज्यादा पावर होना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं एक चीज और आपको बता दे रहा हूँ कि बीएफपी जो है, बीएफपी का पावर कितना चाहिए, अगर इलेक्ट्रिक सिस्टम आप अगर यूज कर रहे हैं तो बीएफपी 3-4% ऑफ टोटल कैपेसिटी ऑफ प्लांट, जितना अगर पावर जनरेट कर रहे हैं आप, अगर 500 मेगावाट का प्लांट है आपका तो इसका 3% निकाल लेंगे तो कितना हो जा रहा है, 5×20 लगभग 4% लेते हैं तो 20 मेगावाट होगा, अगर उसको 3% लेते हैं तो यह 15 मेगावाट हो जाएगा। 15 मेगावाट और 20 मेगावाट के बीच में इसका 1.5 मेगावाट के बीच में ये पावर कंज्यूम करेगा, तो यह एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर है। तो इस पावर को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टर्बो बीएफपी यूज करते हैं। टर्बो बीएफपी में क्या होता है कि एज अ टर्बाइन है, जैसे हम लोग टर्बाइन का सब घुमाते हैं जनरेटर से कनेक्ट करके आपको पावर जनरेट करते हो, वैसे ही हम लोग उतना ही टर्बाइन को स्टीम से घुमाएंगे और घुमा के टर्बाइन का जो शाफ्ट है वो बीएफपी के शाफ्ट से कपल्ड कर देते हैं और टर्बाइन यहाँ पे स्टीम से घूमेगा, यहाँ के नीचे इसके अंदर भी कूलिंग सिस्टम वगैरह रहता है और क्या करेगा हमारा बीएफपी को रन कर देगा और हमारा सक्शन होगा, डिस्चार्ज होगा। और बीएफपी को हम लोग एक ये बेसमेंट दिखाए हैं जो कि नीचे फिक्स रहता है, वैसे ही आपका मोटर भी फिक्स है। तो आई थिंक आज के लिए बेसिकली बीएफपी के लिए बहुत है, और मैं जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो बैलेंसिंग लाइन के बारे में, बैलेंसिंग कैसे होता है बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कैसे बैलेंसिंग ड्रम डिस्क और कैसे सेट रहता है, ये लोग बहुत लोगों का फंडा क्लियर नहीं रहता है। तो अगर थैंक यू, मेरा वीडियो ये आप लोगों को अच्छा लगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपको बैलेंसिंग के साथ। थैंक यू।